गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. इन प्रीवियस क्लास वी वर रीडिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गोल्डन एज द बुक देयर सेव द अर्थ. दिस इज अ शॉर्ट प्ले विच इज रिटन बाय क्लेयर बाइको. डियर स्टूडेंट वी हैव स्टार्टेड इट एंड हिस्टोरियन सेज अबाउट द इन्वेजन ऑफ मार्टिन्स ऑफ 2014. ए बुक देयर सेव द अर्थ. यू नो विच बुक सेव द अर्थ. This is Mother Gus is a nursery rhyme book. Dear student, in first scene, Noodle and Think Tank have their conversation, and Think Tank ask to Noodle to contact with their crew members who had gone to the earth. Dear student, scene second, comparison check is given here. What guesses are made by Think Tank about the books found on earth? पृथ्वी पर पाए गए पुस्तकों के बारे में Think Tank क्या क्या विचार करता है या विचार किए गए. Times a few seconds later and palace mass space and control and center will a public library. Dear student, कुछ सेकेंडों के पश्चात नूडल अपने अंतरिक्ष कर्मी दल के लोगों के साथ संपर्क साधता है और वह एक मास स्पेस कंट्रोल रूम होता है और एक दूसरा सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ पे वो मंगल ग्रह के कर्मी दल पहुँचते हैं. जैसे एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटालॉग ड्रॉवर इन ए कन्फ्यूज फैशन. लेफ्टिनेंट आर्टा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस एंड सर्जेंट टू बीज राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक टर्निंग इट अपसाइड डाउन शेकिंग इट एंड देन रिफिलिंग द पेजेज एंड शेकिंग हिज हैंड. डियर स्टूडेंट कप्तान ओमेगा अस्त व्यस्त तरीके से कैटालॉग के दराज को खोलते और बंद करते हुए बीच में खड़ी है. लेफ्टिनेंट आर्टा किताबों के एक छोटे बक्से में से किताबें गिनती हुई बाईं ओर ऊपर खड़ी है. सर्जेंट टू पे किताब को खोलते हुए और बंद करते हुए उलट पुलट करते हुए अपने सिर को हिलाते हुए और पन्नों को शीघ्रता से खोलते हुए दाईं ओर ऊपर होता है. डियर स्टूडेंट कैटालॉग मीन्स एक आप बोल सकते हैं सूची पत्र. नूडल एडजस्टिंग नॉब्स परिवर्तन करते हुए नॉब्स यानी होता है घुंडी जैसे एक माइक्रोफोन होता है जिसमें बोला जाता है. आई हैव क्लोज साइट ऑफ स्पेस क्रू. नूडल कहता है कि मैंने अंतरिक्ष कर्मी दल का नज़दीकी से देखता हूँ. नज़दीकी से देखने का एक दृश्य रखता हूँ. अंतरिक्षयान का चालक समूह मुझे पास से दिखाई दे रहा है. यानी जैसे ही नूडल अपने घुंडियों को एडजस्ट करता है उसको देखता है तो वो बोल. डियर स्टूडेंट व्हेन नूडल सेज टू थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनोमस गूगल एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेट टू वॉच. डियर स्टूडेंट थिंक टैंक एक विशाल चश्मे का एक जोड़ी पहनता है और देखने के लिए स्टेज की ओर मुड़ता है. दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर. वे किसी इस प्रकार के पृथ्वी की संरचना के अंदर प्रवेश कर चुके हैं. यानी कि वो एक निर्मित पृथ्वी के अंदर वो जो संरचना थी एक जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं. थिंक टैंक एक्सीलेंट मैक वॉइस कॉन्टैक्ट. थिंक टैंक नूडल से कहता है कि अब आवाज़ से संपर्क कराओ. नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन. मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रो वन. मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग ए क्रू टू प्रो वन कमेंट कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. नूडल मंगल ग्रह माइक्रोफोन में बोलते हुए मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह के एक दल कर्मियों से बात करना चाह रहा है. मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह एक के
कर्मी दल से बात करना चाह रहा है। आइए कैप्टन ओमेगा और हमें अपने ठिकाने आप जहाँ हैं के बारे में बताइए। ओमेगा स्पीकिंग इनटू डिस्क विच इज इन विच ऑन ए चैन अराउंड अर नेक। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल लेनेंट आयोटा सर्जन टू पेंट आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर पैलेस। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट राइट। डियर स्टूडेंट ओमेगा अपने गर्दन के चारों ओर एक चैन के अंदर एक डिस्क के अंदर बोलते हुए नूडल को रिप्लाई करती है। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा मास स्पेस कंट्रोल रूम से बोलती है लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जन टूप एंड आई अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जन टूप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर ऑन दिस स्क्वायर पैलेस। हमने इस एक वर्गाकार स्थान जिसके ओर वह संकेत करते हुए कहती है कि हमने आश्रय ले लिया है, वर्गाकार स्थान में शरण ले लिया है। लेफ्टिनेंट आयोटा से वो पूछती है क्या आप कोई विचार रखती है कि हम कहाँ हैं, क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि हम कहाँ हैं। डियर स्टूडेंट आयोटा रिप्लाई करती है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग ए बुक ऑन अप ए बुक। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पर्टिकुलर आइटम्स दीज मस्ट पैलेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टार एज बॉन। वाट डू यू थिंक सजेंट ऑफ। डियर स्टूडेंट आयोटा कहती है कि मुझे कोई पता नहीं चल रहा है। एक किताब पकड़े हुए मैंने इस विचित्र वस्तुओं में से 2000 तक की गणना कर ली है। यह स्थान अवश्य कोई कल्याण भंडार होगा। आप क्या सोचते हैं सर्जेंट ऊफ आप क्या सोचते हैं। ऊफ आई हैवंट ए क्लू। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आई हैवंट ए क्लू। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन Anything like this? Maybe they are heads. He opens a book and puts it on his head. Say, maybe this is a haberdashery. Dear student, Oof reply करता है, मेरे पास कोई संकेत नहीं है। मैं आज 7 आकाश गंगाओं में गया हूँ परंतु मैंने इस तरह की कोई वस्तु नहीं देखी। शायद ये टॉप है। यह एक किताब खोलता है और इसे अपने सिर पे रखता है। वह एक टॉप खोलता है और उसे अपने सिर के ऊपर रखता है और कहता है मैं भी दिस ए हाबरडेशरी। और वह कहता है शायद ये एक बिसाती की दुकान है। हाबरडेशरी एक पैलेस होता है जहाँ की बिसाती की दुकान जहाँ पे कुछ वस्तुएं मिलती हैं खाने पीने की, यानी बिसाती की दुकान। ओमेगा बोविंग लो Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on matter. Dear student, bowing low, नीचा झुककर प्रणाम करते हुए, नीचे झुकते हुए, शायद महान think tank, महान और महाबली think tank ही इस मामले पर अपनी सोच से हमें लाभान्वित करेंगे। Think tank, elementary, सरल है। इमिलेंट्री सरल है। माई डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे वी इट क्लोजली। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ सिंस पर्टी क्रीचर हैव आर ऑलवेज ईटिंग द पैलेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली अ क्रूड रिप्लेसमेंट स्टैंड। डियर स्टूडेंट सरल है। मेरी प्रिय ओमेगा इन वस्तुओं में से एक को पकड़ो ताकि मैं इसे निकटता से देख सकूं। ओमेगा एक पुस्तक को एक किताब को अपने हाथ में हथेली पर रखती है। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ। थिंक टैंक सेज हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड नाउ अब मैं समझ गया हूँ। सिंस
अर्थ क्रीचर आर ऑलवेज ईटिंग की हाँ चूँकि पृथ्वी वासी हमेशा खाते रहते हैं, वह स्थान जिसके अंदर आप हो अपने स्वयं को पाते हो निश्चित रूप से एक जिस पर हो निस्संदेह वह एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र है। एक क्रूड रिप्लेसमेंट स्टैंड मीन्स एक अल्पाहार का जो केंद्र है वह है। आयोटा और ऊफ को कहता हुआ से कहता है ई सेज वी आर इन ए रिप्लेसमेंट स्टैंड। ओमेगा टू आयोटा एंड ऑफ ही सेज वी आर इन रिप्लेसमेंट। ओमेगा आयोटा और ऊफ से कहती है कि वह कहते हैं कि हम एक अल्पाहार केंद्र में हैं। ही ईयर रेफर टू थिंक टैंक कहता है कि हम एक रिप्लेसमेंट के अंदर हैं, एक अल्पाहार केंद्र के अंदर हैं। ऊफ कहता है अच्छा ऊफ वेल द अर्थिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट। अच्छा पृथ्वी वासी निश्चित रूप से एक विचित्र भोजन रखते हैं। पर इट मीन्स पृथ्वी वासियों का विचित्र भोजन है। डियर स्टूडेंट थिंक टैंक इट दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। थिंक टैंक clarifies that item in your hand is called a sandwich. आपके हाथ में वह सामान वह वस्तु जो आपके हाथ में है उसे सैंडविच कहा जाता है। सैंडविच तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वह सैंडविच कहलाता है। ओमेगा nodding a sandwich. ओमेगा हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है सैंडविच। आयोटा नॉडिंग सिर हिलाते हुए कहती है सैंडविच। ऊफ टेकिंग फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच। थिंक टैंक सैंडविचेज आर द मेन स्टेबल ऑफ अर्थ डाइट। लुक एट इट क्लोजली। ओमेगा स्क्वेंटेड बुक देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग। थिंक टैंक कहता है कि सैंडविचेज पृथ्वी का एक मुख्य तत्व होता है, भोजन का मुख्य तत्व होता है। सैंडविच पृथ्वी के आहार का मुख्य तत्व है। इसको निकटता से देखो। लुक एट इट क्लोजली। ओमेगा कॉन्सेंट्रेट बुक। ओमेगा एक किताब की ओर तिरछी नज़र डालती है। देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। और कहता है कि इसमें दो टुकड़े उसके होते हैं जिसको डबल रोटी कहते हैं और उनके बीच कुछ तरह का भरावन भरा जाता है। ओमेगा कहती है दैट इज़ करेक्ट सर। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट। थिंक टैंक अपनी राय को जांचने के लिए कहता है मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। यानी थिंक टैंक कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो सैंडविच है और अपनी राय को पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। ओमेगा निगलते हुए अपने मुंह में जो लार था उसको निगलते हुए ईट इट क्या इसे खाऊं। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइट। थिंक टैंक क्या तुम महाबली थिंक टैंक के ऊपर संदेह करती हो। ओमेगा ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। नो लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अभी तक उसका नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। लेफ्टिनेंट आयोटा मैं आपको इस सैंडविच को खाने का आदेश देती हूँ। आयोटा कहती है डाउसवेली ईट इट क्या इसे खाऊँ। ओ कैप्टन इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टिन टू ईट ए सैंडविच आई एम श्योर बट नाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट सो एज ईट बिफोर माई सर्जेंट। Holding out the book and saying brightly, "Sergeant, I order you to eat the sandwich immediately." Dear student, संदेह पूर्वक है क्या मैं इसको खाऊँ। संदेह रूप से कहती है इसे खाऊँ। ओ कप्तान मैं आश्वस्त हूँ कि सैंडविच खाने वाले प्रथम मंगल ग्रह निवासी होना एक बहुत सम्मान की बात है। वो कहती है इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी फर्स्ट मार्टिन ऑफ टू ईट सैंडविच। वो कहती है कि एक सैंडविच खाने वाले प्रथम मंगल ग्रह निवासी होना एक सम्मान की बात है। आई एम श्योर
आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू इट बिफोर माई सर्जन। लेकिन मैं कितना अभद्र होंगी कि मेरे सर्जन से पहले इसे कहूँ, जैसा कि मैं इसको कहा होल्डिंग अप द बुक और हैंडिंग ऑफ द बुक को बुक सौंपते हुए सेइंग ब्राइटली और खुशी से कहते हुए, सर्जन टू आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। ऊफ, सैंडविच को तुरंत खाने का मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, सैंडविच को खाने का मैं तुम्हें तुरंत आदेश देती हूँ। ऊफ, मेकिंग ए पेस चेहरा बनाते हुए, ओ लेफ्टिनेंट कौन, मी मैं लेफ्टिनेंट आयोटा एंड ओमेगा सॉल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए उसको अभिवादन करते हुए कहती है, मंगल ग्रह के गौरव के लिए। ओफ, यस ऑफकोर्स, इमिडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड एंड ओमेगा एंड आयोटा विचिंग ब्रीथलेसली ही बाइट्स डाउन इन ए कॉर्नर ऑफ बुक एंड पेंटोमाइम्स स्विमिंग एंड स्लाइंग वाइल मेकिंग ट्रेवल पैसेस। ऑफकोर्स इमिडिएटली वह अपने मुँह को खोलता है, चौड़ा खोलता है, ओमेगा और आयोटा उसको सांसें रोककर देखते हैं। वह किताब के एक कोने के ऊपर से कोने के नीचे से काटता है, यानी कि वह पुस्तक के कोने को दांतों से काटता है और भयंकर मुंह बनाते हुए चबाने और निगलने का एक मुख अभिनय करता है। पेंटोमाइम्स स्विमिंग, पेंटोमाइम्स का मतलब होता है नाटक करता, अभिनय करता है, स्विमिंग च्विंग चबाने स्वेलिंग निगलने के लिए। ओमेगा, ओ वेल ऑफ, ओमेगा कहती है वेल ऑफ, ठीक है ऑफ आयोटा, वेल ऑफ क्या ठीक है, उफ कांसता है, उफ कांस, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा एंड आयोटा उसको पीठ के ऊपर तपतपाते हैं। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऑफ, थिंक टैंक पूछता है क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ऑफ, ऑफ सोलेटिंग अभिवादन करते हुए, दैट्स करेक्ट, वो बिल्कुल सही है, इट सर इट वाज नॉट डिलीशियस सर, ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं था। I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martin dust. Dear student, I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. Dear student, उफ कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि पृथ्वीवासी किस प्रकार उन सैंडविचों को बिना पानी के नीचे निगलते हैं। दे आर ड्राई एज मार्टिन डस्ट, अब वे मंगल ग्रह की मिट्टी के समान ही सूखे हैं। नूडल, सर सर, ग्रेट माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, बट इनसिग्निफिकेंट बट ऑफ डाटा प्लॉटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। सर सर, श्रीमान श्रीमान, मान और महाबली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, पर लेकिन सूचना का एक छोटा सा महत्वहीन डाटा मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है अबाउट दो सैंडविचेज, उन सैंडविचों के बारे में। वो कहता है कि सैंडविचों के बारे में एक महत्वहीन मामूली सा तथ्य मेरे दिमाग में आया है। थिंक टैंक, इट कान बी वर्थ मच, यह बिल्कुल योग्य नहीं हो सकता है, बट आई गो अहेड, लेकिन आगे बढ़ो, गिव अस योर ट्रेवलिंग बिट ऑफ डाटा, मंडराते हुए तुम्हारी सूचना के डाटा को हमें बताओ। नूडल, यस सर, वेल यस सर, आई हैव सीन सर्वर फिल्म ऑफ दो सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द अर्थिंग डिड नॉट ईट देम, दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। डियर स्टूडेंट, नूडल अपनी राय प्रकट करते हुए कहता है कि मैंने उन सैंडविचों को सर्वेक्षण फिल्मों में देखा है, मैंने ध्यान दिया कि पृथ्वीवासी उनको खाते नहीं, उन्होंने उनको खाया नहीं, बल्कि दे यूज देम एज ए सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे उनको एक प्रकार से संचार के उपकरण के रूप में प्रयोग में लेते थे। थिंक टैंक, होस्टली, थिंक टैंक जो है होस्टली थोड़ा सा चिढ़ता हुआ गर्व से कहता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, सॉल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट,
स्वाभाविक रूप से वही मेरा अगला बिंदु था। एक्चुअली वो संचार के सैंडविचेज हैं, थिंक टैंक कभी गलत नहीं है। कौन गलत नहीं है? सभी एक साथ तेज आवाज में अभिवादन करते हुए बोलते हैं मान महाबली थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक देयर फॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। इसलिए मैं आपको इसे कहने का आदेश देता हूँ, ओमेगा लिसन टू देम, क्या उनको सुनिए। आई टाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की तरह पजल हैरानी से लिसन टू देम। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल इन योर आइज ईयर्स, क्या तुम अपने कानों में कंचे रखते हो। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उन्हें सुनो। थिंक टैंक मार्टिन्स बो वेरी लो ओमेगा इट शैल बी डन सर, दे इज टुक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर एंड लिसनिंग इंटेंटली। वे दराज में से उस अलमारी में से दो दो किताबें लेते हैं और उनको उनके कानों के नज़दीक पकड़ते हैं और ध्यान से सुनते हुए उनके कानों के नज़दीक पकड़ते हैं। आउट ऑफ विस्परिंग टू ओमेगा, धीमे ओमेगा से धीरे धीरे बोलते हुए डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना, सुनते हो। आउट ऑफ विस्परिंग बैक नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग ओप लाउडली नॉट ए थिंग ओमेगा एंड जम्प इन फ्लाइट। ओमेगा और आयोटा वैसे कूदते हैं, आयोटा एंड ओमेगा जो वापस कहते हैं सस, दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो उसको चुप कराते हैं और कहते हैं कि ध्यानपूर्वक दोबारा सुनो। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ व्हाट डू यू, तुमने क्या सुनते, तुम क्या सुनते हो। थिंक ओमेगा कहता है नथिंग सर, परहैप्स यू आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, संभवतः हम गाना पुसर करते हुए कहते हैं कुछ नहीं सुना। बट वो कहते हैं कि शायद हम सही फ्रिक्वेंसी पर नहीं हैं। आयोटा कहती है आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। डियर स्टूडेंट कुछ नहीं श्रीमान, संभवतः पृथ्वीवासी हमारी तुलना में, पृथ्वी निवासी उतने आदिकालीन नहीं है जितना हमने सोचा था। हमने गुप्त संकेत अपन कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, आयोटा कहती है कि कुछ नहीं सर, संभवतः पृथ्वीवासी हमारी तुलना में अधिक तेज कान रखते हैं। डियर स्टूडेंट उफ आई डोंट हियर एनीथिंग, मे बी दी सैंडविचेज डोंट मेक ए साउंड। उफ रिप्लाई करता है कि मैं तो एक चीज़ भी एक शब्द भी नहीं सुनता हूँ, संभवतः ये सैंडविचेज आवाज़ नहीं करते हैं। थिंक टैंक व्हाट, समबडी सजेस्टेड द माइटी थिंक टैंक हैज मेड मिस्टेक, क्या कोई सुझाव देना चाहता है कि महान शक्तिशाली थिंक टैंक से कोई गलती हुई है। ओमेगा ओ नो सर, नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग अराउंड इन माइंड, कृपया मुझे क्षमा कीजिए महामहिम, एक सूचना का धुंधला टुकड़ा मेरे मस्तिष्क में इधर उधर घूम रहा है। थिंक टैंक वेल ट्रेवल इट आउट, अच्छा इसे बाहर निकालो, बाहर उंडे लो नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसे भुगतान स्पष्ट करूंगा। नूडल इट सीम टू रिकॉल दैट अर्थिंग डिड नॉट लिसन टू देम व्हिच इज दे ओपन एंड वॉश देम। नूडल इज़ ए इंटेलिजेंट मैन, नूडल कहता है कि पृथ्वीवासी उन सैंडविचेस को सुना नहीं करते थे, ऐसा मुझे याद आता हुआ प्रतीत होता है। दे ओपन देम एंड वॉच देम, मैं उन्हें खोलते और उन्हें देखा करते थे। थिंक टैंक यस यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लेरिफाई फॉर यू दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा मैं तुम्हारे लिए इसे स्पष्ट कर दूँ। Those sandwiches are not for air communication, they are for eye communication. Now Captain Omega take that large colorful sandwich over there, it appears to be important, tell me what you observe. Omega picks up a very large volume of Mother Goose holding it so that the audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and O peers over her right shoulder. Dear student, think tank clarify करने के लिए Omega से कहता है वो सैंडविचेस कानों स्वर्ण संचार के नहीं हैं, वे आँखों के संचार के हैं। कैप्टन ओमेगा उस लंबे और रंगीन सैंडविचेस को वहाँ ऊपर से ले आओ
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। मुझे बताओ तुम इसके अंदर क्या देखते हो। ओमेगा पिक्स वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गस। ओमेगा एक मदर गस का एक विशाल वॉल्यूम वहाँ से उठाती है, इसको पकड़ती है ताकि दर्शक उसका शीर्षक देख सके। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्जर। आयोटा उसके बाएं कंधे के ऊपर से झांकता है, देखता है। पियर्स ओवर इज राइट शोल्जर। ओप्स उसके दाहिने कंधे के ऊपर से झांकता है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थिंग्स। ऐसा प्रतीत पृथ्वीवासियों के चित्तर रखने को प्रतीत होती है। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और वहाँ पे कुछ प्रकार का कोड होता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि किसी प्रकार का गुप्त संकेत प्रतीत होता है। थिंक टैंक साफली इंटरेस्टेड कोड रुचि लेते हुए कहता है, कोड गुप्त संकेत पद्धति। मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब दिस कोड। ओफ इट इज स्टाइल एंड स्क्वल्स डॉट्स थाउजेंड ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। ओफ कहता है कि छोटी लाइनें और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और बिंदु चित्र के सारे सारे हजारों उनमें से हजारों चित्रों के साथ साथ हैं। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। जैसा कि थिंक टैंक ने पहले पृथ्वीवासियों को प्राचीनतम पुरातन कहा था, अब वो क्लेरिफाई करता है, वी आर थिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। संभवतः पृथ्वीवासी उतने पुरातन नहीं है जितना कि हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें अवश्य ही उस गुप्त संकेत पद्धति को तोड़ना चाहिए। नोडल कहता है, फॉर गिव मी योर क्लियरनेस, मैं मुझे क्षमा कीजिए। डिड यू नॉट केमिकल डिपार्टमेंट गिव योर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। नोडल निवेदन करते हुए कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए महामहिम, क्या हमारे रसायन विभाग ने हमारे अंतरिक्ष कर्मी दल के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए कोई विटामिन्स नहीं दिए। डियर स्टूडेंट, वी विल गो ऑन पेज नंबर 8। थिंक टैंक स्टाफ, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेशन ब्रिलियंस हैज कम टू मी। स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। थिंक टैक देम इमीडिएटली एंड दोज वॉच दस एंड वॉच एंड विच द मीनिंग ऑफ द कॉड विल स्लोली अनफॉल्ड बिफोर यू। थिंक टैंक कहता है, स्टॉप, रुको, एक महत्वशाली विचार, एक बुद्धिमत्ता का, एक श्रेष्ठता का विचार मुझे मेरे मस्तिष्क में आया है। अंतरिक्ष के लोगों, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें कुछ विटामिन्स दिए हैं, उनको शीघ्रता से ले लो और सैंडविचेस को देखो। गुप्त संकेत पद्धति का अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुल जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, स्क्रू टैक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट, प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल विटामिन्स इन फ्रंट ऑफ देम, स्टीपली स्वेलो विटामिन्स, दे पॉप द विटामिन्स इन टू देयर माउथ, गल्फ स्टिमुलेटेंस वैली एंड सिमलेट न्यूसली, दे ओपन देयर आईज वाइड एंड देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड पुट हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स। ऐसा ही होगा सर, विटामिन हटाते हैं क्रिमिदल उनके बेल्टों के ऊपर रखे हुए बॉक्सेस से विटामिन लेते हैं, प्रिविजेंट विटामिन्स और विटामिन्स को पकड़ते हैं अपनी आँखों के सामने, दे होल्ड विटामिन्स इन फ्रंट ऑफ देम स्टिडली, और विटामिन को प्रस्तुत करने के बाद में रुखे और औपचारिकता से अपने सामने विटामिन को पकड़ते हैं, विटामिन को निगलो, वे विटामिनों को अपने मुंह में टूंसते हैं और साथ साथ शीघ्रता से निगल जाते हैं, और वे अपनी आँखों को चौड़ा करके खोलते हैं और अपने सिर को लाते हैं, वे अपने हाथ अपने मस्तकों पर रखते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम कोई टेबलेट लेते हैं तो ये छोटे बच्चे जैसा करते हैं वैसा ही है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिस्प्ले दैट कोड, अच्छा अब उस कोड को तोड़ो। इट शैल बी डन सर, दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। ऐसा ही होगा सर श्रीमान, बहुत बढ़िया।
वे पृष्ठ पलटते हुए पुस्तक को देखते हुए त्योरी चढ़ा लेते हैं, यानी अपने ब्राउन जो है उसको ऊपर कर लेते हैं। ओमेगा, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वी आर रीडिंग फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रेड दैट थिंक टैंक्स हैज अबाउट दोस एंड विशेज दैट दे आर द कम्युनिकेशन डिवाइस ऑफ आइस एंड नूडल सजेस्ट दैट द आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन देम विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, सो दे आर ऑर्डर्ड टू टेक विटामिन्स एंड टू इंक्रीज डिस्पे दैट कॉर्स। हियर वी हैव गॉन, नाउ लेट्स रीड फ्रॉम हियर। ओमेगा, डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 8, ओपन योर बुक एंड रीड। डियर स्टूडेंट, ओमेगा ब्राइटली खुशी से हंसते हुए, हा आयटा ब्राइटली ओ उल्लास से खुशी से, आ हो ऊफ ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर हंसते हुए जोर से किलकिलाते हुए, हा 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 हा। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है, टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे तुरंत ही बताओ, इसी क्षण बताओ, प्रतिलिपि बनाओ, ट्रांसक्राइब अनुवाद कीजिए। ओमेगा, ओमेगा यस सर, शी रीड्स विद ए ग्रेट सीरियसनेस, वह बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ती है। मिस्टेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कक्ल एंड सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड ए प्रीटी मेयर्स ऑल इन ए रॉ। डियर स्टूडेंट, मालकिन मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल विपरीत, आपका बगीचा कैसे बढ़ता है, घोंगे के कवच और चांदी की घंटियों के संग और सुंदर कन्याओं, सुंदर युवतियों सभी एक कतार में। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ मदर गर्ल्स। ओह हा 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 हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, कल्पना करिए, सोचिए कि सुंदर युक्तियाँ एक बगीचे में उगते हुए। थिंक टैंक अलार्म स्टॉप, चेतावनी देते हुए, चौकन्ना होते हुए, रुको, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेवलिटी, ये मजाक, चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, द अर्थिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कम्बाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वीवासियों ने खोज लिया है किस प्रकार कृषि और खनन तकनीकों कैसे मिलाया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स रेयर मेटल एंड सच सिल्वा एंड कॉकल सेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू नूडल कॉन्टेक्ट और इन्वेजन फ्लैक्ट। व्हेन नूडल एंड थिंक टैंक गैस के उन्होंने सचमुच चांदी जैसी दुर्लभ वस्तु और घोंगे के कठोर आवरण की फसल उगा सकते हैं, वे उच्च कोटि के विस्फोटक पदार्थ को भी उगा सकते हैं, और वे उच्च कोटि के विस्फोटक पदार्थ भी उगा सकते हैं। नूडल, हमारा आक्रमण करने वाले वायुयान के बेड़े से संपर्क कराओ। नूडल, दे आर ऑलरेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वे पहले ही नीचे जा चुके हैं। दे आर रेडी टू गो डाउन, वे नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पृथ्वी को कब्जा जमाने के लिए। श्रीमान, वे नीचे जाने और पृथ्वी पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक टू टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ आयटा, ट्रांसक्राइब। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, थिंक टैंक नूडल से आदेश देता है कि टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, उन्हें बताओ कि पृथ्वीवासियों के विषय में एक नई सूचना आई है। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा पढ़ो। आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वह बड़ी गंभीरता से पढ़ती है।
हे डिडल डिडल द कैट एंड द फीडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून द लिटल डॉग लव टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रन अवे विथ स्पून। हे धोखेबाज धोखेबाज बिल्ली बेईमानी गाय चंद्रमा के ऊपर कूद गई। छोटा कुत्ता ऐसा खेल देखकर किलकिलाते हुए हंसा। द डिश रन अवे विथ स्पून और तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। ओ लॉपिंग द डिश रन अवे विथ द स्पून, तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डाइजेस्ट दिस इज मोर एंड मोर लॉपिंग द अर्थिंग हैव रीच ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन डिडंट यू हियर। They have taught their domestic animals musical culture and space techniques. Even their dogs have a sense of humor. Why is this very important? They may be launching an interplanetary attack of millions of cow. Naughty by the invasion, fled. No invasion today. Oh, transcribe the next card. Think tank. उसको डांटते हुए हंसी को बंद करो. Stop. The laughter digest bajao digest this is more and more alarming. ये बहुत ही चेतावनी भरा है, अधिक से अधिक चेतावनी भरा है। पृथ्वीवासी एक सभ्यता की उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्या तुमने नहीं सुना? उन्होंने अपने पालतू पशुओं को भी संगीतात्मक संस्कृति और अंतरिक्ष की तकनीक भी सिखाई है। यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी हास्य विनोद की भावना है। यहाँ तक कि उनके कुत्तों के अंदर भी मजाक करने की एक है। वाई इसी क्षण इसी पल में हो सकता है कि वे ग्रहों के मध्य लाखों गायों का आक्रमण करना प्रारंभ कर दे। आक्रमण करने वाले वायन समूह को सूची करो, नोटिफाई सूचित करो। नो विजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। अगली गुप्त संकेत पद्धति की प्रतिलिपि बनाओ, उसका वर्णन करो। तो थिंक टैंक इस स्टेंजा का गलत अर्थ करता है। ओफ यस सर, रीडिंग पढ़ते हुए हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठे थे, हम्प्टी डम्प्टी बुरी तरह से गिरे थे। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी व्यक्ति हम्प्टी डम्प्टी को फिर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ओ लुक सर यस पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, वाई सर ही लुक्स लाइक ट्रंस लास्ट पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टू आर थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। ओ सर देखिए यहाँ हम्प्टी डम्प्टी की एक तस्वीर है। क्यों सर ही लुक्स लाइक, वो दिखाई देता है, वो दिखता है हम्प्टी डम्प्टी की विशाल तस्वीर को वह थिंक टैंक और दर्शकों की ओर मोड़ता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग होल्डिंग हिज हेड, इट्स मी इट्स माय ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, अर्थिंग हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, दे हैड ए ग्रेट फॉल, दे मींस दे प्लान टू कैप्चर मास कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इट एन इन्वेजन ऑफ माई नूडल प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट प्रिपेयर विदाउट डिले, इसके विदाउट डिले स्पेस बिफोर यू मस्ट लीव अर्थ एंट्रांस, बट बी श्योर रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। थिंक टैंक घबरा जाता है, चीखता हुआ अपने सिर को पकड़ता है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ, ये मेरा महान और महाबली गुब्बारे के वाला मस्तिष्क है। पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है, वो मेरे पीछे हैं, वो मेरा वे ग्रेट पाल, वो धड़ाम से गिर जाता है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास स्पेस कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे और मंगल ग्रह को नियंत्रण में लेना चाहते हैं। ये तो मंगल ग्रह पे आक्रमण है। नूडल मेरे लिए एक अंतरिक्ष का कैप्सूल, एक अंतरिक्ष यान का भाग जिसमें यात्रा की जाती है तैयार करो। मैं बिना किसी देरी के तुरंत ही बस निकलना अवश्य चाहता हूँ। मुझे अवश्य बिना देरी के बस निकलना चाहिए। स्पेस के लोगों तुम्हें भी तुरंत ही उस स्थान को अवश्य छोड़ देना चाहिए, लेकिन निश्चित हो जाओ कि तुम्हारे वहाँ भ्रमण के सभी प्रकार के संकेतों को हटाने के लिए निश्चित हो जाओ। डियर स्टूडेंट ओमेगा एंड आयोटा एंड हूप रस अबाउट फोटिंग बुक्स बैक
ऑन सेल्स, ओमेगा, आयटा, ओ, इधर उधर किताबों को वापस अलमारी में रखते हुए दौड़ते हैं। नोडल वार वेर सल वीगोसा, श्रीमान हम कहाँ जाएंगे, थिंक टैंक गेतार, 800 माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, ऑर्डर द इन्वेजन फ्लैट टू इवकाइट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स, वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, 100 माइल्स अवे, ओमेगा आयटा एंड रंस ऑफ टाइट एस नूडल लैब्स, थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टन क्लोजेस स्पॉट लाइस ऑन डाउन राइट स्टूडेंट। तो थिंक टैंक जवाब देता है कि बहुत दूर जाएंगे, 100 माइल्स अवे। तो वह कहता है कि हम मंगल ग्रह से अरबों मील दूर आक्रमण करने वाले वायन दस्ते को संपूर्ण मंगल ग्रह को खाली करने का आदेश दो, हम अल्फा सेंटोरी की ओर जा रहे हैं, हम अरबों मील दूर अल्फा सेंटोरी की ओर जा रहे हैं, ओमेगा आयटा उप दाएँ ओर भागते हैं जबकि नूडल बाएँ ओर थिंक टैंक की सहायता करता है, पर्दा गिरता है और बिंदु प्रदीप जो रोशनी थी वह नीचे दाएँ ओर इतिहास स्वीप के ऊपर चमकता है। हिस्टोरियन डियर स्टूडेंट चकलिंग दैट्स हाउ वन ओल्ड डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्टिन इन्वेजन हैज यू एट यू नो इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड वी अर्थिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद मार्स एंड वी हैव बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टिन्स बट बाय द टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मैन मार्टिन द वाइज एंड वंडरफुल नूडल यस वी टॉट द मार्टिन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स वी टॉट देम हाउ टू रीड टू एस्टाब्लिश ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल ऑफ मॉस्पॉल्स एंड बट यू माइट एक्सेप्ट देर इज स्टिल वन बुक दैट मार्टिन्स कैन नेवर ब्राइट देम ब्रिंग देम सेल्फ टू रीड यू गेस्ट इट मदर गेस शी वॉज एंड एग्जिस्ट राइट डियर स्टूडेंट मुंह बंद कर हंसते हुए इस प्रकार धूलभरी शिशुओं की बच्चों की कीतों की पुरानी पुस्तक ने विश्व को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं यह सब घटित होने के 500 वर्षों बाद यानी 25वीं शताब्दी में हम मंगल ग्रह पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के साथ पुनः संपर्क स्थापित किया और हम मंगल ग्रह वासियों के साथ अत्यंत मित्रवत हो गई। उस समय तक महान और महाबली थिंक टैंक एक अत्यंत बुद्धिमान मंगल ग्रहवासी बुद्धिमान और अद्भुत नूडल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया बदल दिया गया। अब नूडल को वहाँ मंगल ग्रह का स्वामी बना दिया गया। हमने मंगल ग्रह वासियों को सैंडविच और पुस्तकों के बीच अंतर को सिखाया, हमने उन्हें कैसे पढ़ते हैं ये भी सिखाया, हमने उन सबकी राजधानी नगर मार्सोपोलिस में एक आदर्श पुस्तकालय स्थापित किया। जैसा कि आप आशा करते हैं अभी भी एक पुस्तक है जिसे मंगल ग्रहवासी कभी पढ़ने को अपने हाथ में नहीं ला सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, वह मदर गोस वह झुककर अभिवादन करती है और दाएं ओर चली जाती है। डियर स्टूडेंट आई होप ये जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के समझ में आया होगा, आप लोगों को इसको रीड करना है और सम डिफिकल्ट वर्ड्स जो दिए हुए हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिखना है और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। थैंक यू।